वे संसार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीजों का खोना क्या संकेत हमें देता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसे बहुत से रहस्यमय और रोमांचक वीडियो दिखाते रहेंगे। अक्सर लोग अपनी प्रिय चीजों को खो देते हैं और फिर उसे पाने के लिए तरसते रहते हैं। ऐसे में कई बार हमें खोई हुई चीजें वापस भी मिल जाती हैं और कई बार नहीं भी मिलती। कहते हैं कि वस्तु के खोने का ज्योतिष से भी संबंध होता है। आश्चर्य हो गए ना आप कि आखिर चीजें खोने से ज्योतिष का संबंध क्या हो सकता है? कब चीजें लगातार खोती हैं और कब चीजें खोकर जरूर से मिल जाएंगी? दोस्तों, आज वेद संसार आपको बताने जा रहा है क्या चीजें खोने और मिलने से होता है नुकसान। दोस्तों, आइए बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। राहु और चंद्रमा का संयोग बनने पर चीजें अचानक खो जाती हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि या मंगल का संबंध होता है तो चीजें गुम होकर नहीं मिलती हैं। यही नहीं, अगर शुक्र गुरु या शुभ ग्रह इसमें मौजूद होता है तो चीजें मिल जाती हैं। कहते हैं आमतौर पर शनिवार को खोई हुई चीजें या तो नहीं मिलती हैं या फिर काफी देर से मिलती हैं। दोस्तों, आगे हम आपको बताएंगे कब चीजें लगातार खोती हैं और कब चीजें खोने से सावधान रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में राहु केतु या बुध की दशा हो, अगर आपकी शनि की साढ़सती या दया चल रहा हो, अगर आपकी राशि वृष कन्या या मकर हो, या फिर कर्क वृष या मीन हो, यही नहीं अगर आपका मूलांक 2, 4 या 8 हो, अगर आपने भूरे रंग का कुत्ता पाला हो या काले रंग की गाड़ी ली हो, तब आपकी चीजें लगातार खोती रहेंगी, जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। इसके बाद आपको बताएंगे कब चीजें खोकर मिल जाती हैं। कहते हैं अगर आपकी कोई चीज सोमवार या बुधवार को खोती है तो वह जरूर से मिल जाती है। जब गुरु बलवान हो या फिर गुरु की दृष्टि हो, जब साढ़े सती या ढया चल रहा हो और जब आपका मूलांक 5, 7 और 9 हो, तो तब चीजें खोकर मिल जाती हैं। आगे जानते हैं क्या सामान का खोना या पाना कोई संकेत देता है या ये शुभ या अशुभ भी होता है। सोने का खोना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन सोने का मिलना शुभ होता है। वहीं शीशा या रुमाल का खोना शुभ नहीं माना जाता, परंतु इनका मिलना बहुत शुभ माना जाता है। बात करें कि कपड़ों का खोना भी शुभ नहीं होता, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी के होने का संकेत होता है। यही नहीं, रत्नों का खोना बहुत शुभ होता है। जान ले कि इसके खोने का मतलब होता है कि आपकी कोई बड़ी वादा जो आने वाली थी वह टल जाएगी। किसी मांगलिक कार्य के समय सौंदर्य प्रसाधन का खो जाना आपके स्वस्थ होने का सूचक है। दोस्तों, जब आपका कोई सामान गायब हो जाए तो उसके लिए कौन सा अनमोल नुस्खा है जो आप अपना सकते हैं? जैसे ही आपके अपने किसी प्रिय सामान के गायब हो जाने का पता चले, तब उसी समय एक सफेद रुमाल ले लें और फिर उसके बीचों बीच 1 रुपए का सिक्का रख लें। इसी के साथ रुमाल के चारों कोनों को अच्छी तरह से बांध लें। इस खास तरकीब को अपनाने से 24 घंटों में आपकी खोई हुई चीज जरूर से मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में जैसे कि हमने आपको खोई हुई चीजों के संकेत के बारे में बताया, तो उम्मीद करते हैं आप आगे से इन बातों का जरूर से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें अपना विचार अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम जल्दी लौटेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।